अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकार इम्तियाज़ है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। सैलाब से दो चार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर कोरोना की आफत के बाद इस दफ़ा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और मुख्तलिफ शहर जैसा कि केपी के और मुल्तान और साउथ पंजाब के एरियाज़ जो कि इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो आज मैं अपनी टीम चलो कुछ अच्छा करते हैं और रोटरी इंटरनेशनल क्लब साउथ जोन के साथ एक केपी के शहर टांग के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज अभी तक कोई टीम नहीं पहुँची। यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हमें एक हफ़्ता लगा है कि यहाँ का डाटा कलेक्ट करने में और वो लोग जो सैलाब से अफेक्ट हुए हैं उनके घर राशन पहुँचाने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जो कि हम अपने शहर मुल्तान से जो भी हमारे पास डोनेशन वगैरह इकट्ठी हुई थी वो लेके आए हैं और यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। तो आज जो हम यहाँ के जो मुकामी हैं उनसे भी पूछेंगे कि जब भी सैलाब की सूरत हाल बनती है तो वो कैसे फेस करते हैं इस चीज़ को, और जो कि आज हम सिर्फ ना सिर्फ राशन बल्कि जो मेडिकल कैंप है वो भी हमने लगाया हुआ है। तो आज के जो मुकामी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे सवालात भी करते हैं। इस वक्त यहाँ के मुकामी इनामुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं पूछता हूँ कि सैलाब की जब भी सूरत हाल पैदा होती है तो इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे हुकूमत की कोई रसाई हासिल होती है या कोई इमदादे टीम आती हैं यहाँ पे कि नहीं आती। जी नाम भाई बताइए। जी जब भी यहाँ पे सैलाब आता है तो पहले जो 2010 में आया था तो वो भी इस तरह तबाहकुन था, और अभी जो आया उसने तो बहुत बड़ी तबाही की। तमाम टाग के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे ममरेज़ हो गया, पाई हो गई, ये सारे इलाके जो है ना वो तबाही का शिकार है। चूँकि ये इलाका बहुत बैकवर्ड है इसलिए तकरीबन यहाँ पे हुकूमती जो रसाई होती है वो इतनी नहीं होती। हाँ तकरीबन छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन फिर भी यहाँ काम करते हैं और तकरीबन इमदाद आती है। इस बार तो तकरीबन हुकूमत की तरफ से तो अभी तक नहीं आई, लेकिन आम जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसने फिर भी इतना काम किया है कि सारे लोगों में और जितने भी टांग के मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें राशन तकसीम किया हुआ है। जी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इनाम भाई हमें बता रहे थे यहाँ तक जो हुकूमत की रसाई बहुत मुश्किल है और जो टीमें हैं वो भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे आती हैं और हम भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें यहाँ का डाटा कलेक्ट करते तकरीबन जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक हफ़्ता हमें लग गया था। और अभी चलते हैं हम अपने कैंप की जानिब। इस वक्त मैं अपने कैंप के अंदर मौजूद हूँ जो कि हमने यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि केपी के जो ज़िला टांग है उसके अंदर हमने जो लगाया है, और हमारे साथ अभी डॉक्टर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो पेशेंट्स जो फ्लड के विक्टिम्स हैं वो यहाँ आते हैं तो उनको किस तरह की बीमारियाँ हैं और हम उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी हमें ये बताइएगा कि कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो इनको लाइक होती हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो जल्द के अमराज के साथ आ रहे हैं और उसके अलावा पेट के अमराज के साथ आ रहे हैं, तो उनका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जो पानी है वो खड़ा हुआ है पानी है, और इसके अलावा मलेरिया से भी जो अफेक्टेड हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं हमारे पास, और बड़े भी तकरीबन इसी तरह के ही मसाइल के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस जैसे कि ऑडियंस हमारी देख रही होगी तो क्या प्रिकॉशंस होंगी जो कि फ्लड एरिया में लोग जा रहे हैं वो डोनेशंस वगैरह के हवाले से वो लोगों को उसके बारे में गाइड कर सकें, एडवाइस दे सकें? प्रिकॉशंस यही है कि अगर मलेरिया से बचाव के लिए तो हमें नेट यूज़ करें, उसके लिए क्रीम्स वगैरह उनको प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ में डोनेशंस दें, और जो बच्चे आ रहे हैं ख़ासकर उनके लिए उनको डायरिया वगैरह का अमराज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनके लिए मेडिकेशन की डोनेशंस वगैरह दें जो है। चलें थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो फ्लड विक्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा
तादाद के अंदर यहाँ मौजूद हैं और उनको डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ भी हैं। और आज हम डोनेशंस के हवाले से भी यहाँ आए थे, हमने मुख्तलिफ घरों के अंदर राशन वगैरह तकसीम की हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि अगर आप लोग कहीं देखें और अगर आप लोगों को कहीं डोनेशंस के लिए अगर कहीं पर भी कोई पोस्ट वगैरह आपको अगर मिलती है तो काइंडली आप लोग उस डोनेशन को वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर डोनेट करें और लोगों की जो है हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच।